हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। WHO की एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना से संक्रमित 50% लोगों में इसके कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं। इसीलिए ये ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है कि आप चेन को तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि संक्रमित है कौन। मतलब ये कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोरोना वायरस पनप चुका है। हमने एक स्टडी की, एक रिपोर्ट तैयार की है, बहुत जरूरी है रिपोर्ट देखना। देखिए, जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त हम मौजूद है, इसमें ये समझने की जरूरत है हम ओपन फायर नहीं कर सकते, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, यानी चुन चुन के कोरोना के संक्रमण को रोकना होगा। इस से जुड़े हुए मुंबई में कई केस भी मिले हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इसका खुलासा कुछ स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से हुआ है। आप भी देखिए कोरोना से गुप्त अवतार की कहानी। ये जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ घर में भी होना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये अपील की। कोरोना से बचने के लिए हर वक्त अपना चेहरा ढकने की सलाह लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों की सबसे ताजा रिसर्च सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि 50% से ज्यादा मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे। इसका मतलब साफ है कि आपको अपने आसपास स्वस्थ दिख रहे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कोरोना के साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। साइलेंट कैरियर का मतलब ऐसा है कि इनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो है लेकिन उनको सिम्टम्स कुछ है नहीं, मतलब उनको बुखार नहीं है, उनको खांसी नहीं है, या सर दर्द या बॉडी का दर्द नहीं है, बदन का दर्द नहीं है। और ये जो साइलेंट कैरियर्स है वो भी दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में जिस तेजी के साथ कोरोना फैला है उसमें साइलेंट कैरियर्स की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। ये खतरा भारत पर भी मंडराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 70% कोरोना संक्रमित मरीज साइलेंट कैरियर हैं, यानी इन 70% मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए और इनके कारण ही महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में देश में सबसे ऊपर है। आशंका है कि ऐसे साइलेंट कैरियर्स देश के दूसरे राज्यों में भी मौजूद हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया में वो 80-90% ऑफ लोग असिम्टोमेटिक है या उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। और ऐसे हाइपोथेसिस है कि शायद इंडियन लोगों की प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा है, उसके कारण उनको कोरोना वायरस से इतने ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं है और जो सीरियस बीमारी है वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं दिखती। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कहा है कि कोरोना का वायरस संक्रमण के लक्षण दिखने के 3 दिन पहले भी शरीर में मौजूद हो सकता है। इस दौरान भी संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। उत्तरी अटलांटिक के द्वीप देश आइसलैंड में यही हुआ। यहाँ कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट दुनिया भर के लिए चौंकाने वाले थे, क्योंकि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें से आधे से ज्यादा में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दावा करने वाले चीन का भी यही हाल है। चीन में पिछले 6 दिनों में 130 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। 18 मार्च से 22 मार्च इन 4 दिनों में चीन के हुबई प्रांत में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने नहीं आया। इस बात का वहां जश्न भी मनाया गया और चीन ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुए कोरोना पेशेंट्स में दोबारा से कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे और कई लोग कोरोना पॉजिटिव वापस हुए। इसके बाद चीन में लॉकडाउन घोषित किया गया। अनुमान के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों में से लगभग 33% साइलेंट कैरियर्स थे। इटली में ये संख्या 44%, जापान में 33% और दक्षिण कोरिया में 22% पाई गई। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम देश कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि साइलेंट कैरियर से बचने के लिए बेहतर होगा कि लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले।